प्यारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी थी की बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो डांसर हैं, कोरियोग्राफर, एक्टर हैं, बहुत कमाल की पर्सनैलिटी है। पीयूष गुरबेले नाम है उनका। कैसे हो पीयूष भाई? हेलो गाइस, कैसे हो? नमस्ते सभी लोगों को। कैसा आपका टाइम बाद? बहुत बढ़िया। हाँ, 2023 में मैंने भाई को बोलता भाई पॉडकास्ट करेंगे हम लोग साथ में, और 2024 आ चुका है फाइनली और पीयूष भाई आ चुके हैं। हम लोग 2023 के लास्ट 3-4 महीने से प्लान कर रहे थे कि हम करेंगे एंड फाइनली 2024 में इट्स हैपनिंग। क्या बात है। पीयूष भाई बचपन से डांसर बनना था? यस। मतलब कब आई ये समझ की? जब भी मैं फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था। अब उस वक्त क्या उम्र होती है फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होते? तब छोटे ही रहते, बहुत छोटे रहते। तो तभी से ऐसा था कि स्टेज पे बस एक बार चढ़ा दिया और गाना था एक पल का जीना, तो बस चढ़ा दिया स्टेज पे और करना। और तब वो टाइम पे मेरे को सिर्फ ये आता था, वेव्स हो रहे थे मतलब, आता था बस इतना आता था, ये पूरे वेव में 3 मिनट के गाने करते रहता था। और वो टाइम पे वहाँ के मैं गांव में रहता था पहले, तो उधर लगता उनके लिए बहुत ज्यादा, उनके लिए ऐसा लगता था कि ओ क्या होगा। तब मैं बहुत छोटा भी था और ऐसे ही एक दो बार ऐसे ही स्कूल के गैदरिंग में ऐसा करा दिया, तो कुछ करते रहता। फिर लेटर ऑन मैं नागपुर शिफ्ट हुआ। गांव कहाँ था भाई आपका? गांव का नाम वो था इंदौर, इंदौर के भी आगे था दही करके, दही दही सब लोग दही बोलते उसको सुनते डमरू का ड, अच्छा दही करके था वो इंदौर के आगे कुक्षी करके, फिर वहाँ से भी है एमपी में। तो हम लोग वहाँ रहते थे पहले क्योंकि पापा वहाँ जॉब कर रहे थे। फिर पापा की ट्रांसफर हुई मुंबई में और हमारा घर नागपुर में था, तो हम नागपुर में रहते थे और पापा यहाँ काम करने के लिए इधर आ गए मुंबई। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आया फिर पता चला बाद में कि बहुत बचपन में बातें क्योंकि राजस्थान गए थे हम लोग घूमने के लिए, तो वहाँ पे वो ढोल बजा रहे थे, तो मैं डांस कर रहा था, बहुत छोटा था मैं, डांस कर रहा था और जैसे वो ढोल बजाना बंद कर रहे थे तो मैं रो रहा था। अच्छा। तो पापा उनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे कि तुम बजाते रहो बट रुको मत कर, बेटा रोना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा तो ऐसा बोलते थे कि जब मुझे और इंटरेस्ट आने लगा तो घर वाले से बोलते थे कि तू तब से ही डांस कर रहा है करके। फिर जब मैं नागपुर आने के बाद फिर मैंने टीवी पे रियलिटी शोज देखना चालू किया, बूगी उगी देखा, फिर उसके बाद डीआईडी आया, तो ये सब देखने के बाद तो मतलब अलग लेवल का क्रेज हो गया था कि अब तो यही करना है। फिर टीवी देख देख के ही मैं सीखने लग गया, फिर लेटर ऑन धीरे धीरे मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए, बस ऐसे शुरुआत हुई। ये शुरू हो गया भाई। और कॉलेज कहाँ से रहा भाई? सब मुंबई? नहीं नहीं, नागपुर। स्टडीज तो नागपुर, सब नागपुर से। और एक वो होता है ना कि डांस दीवाने के लिए मुंबई आए थे। यस, उसके पहले भी मैंने और 3 रियलिटी शो कर लिए डांस दीवाने के पहले। अच्छा, आप डीआईडी सिक्स में भी था। मेरा सबसे पहला रियलिटी शो था ढी जोड़ी, जो ईटीवी तेलुगु पे किया था मैंने। अच्छा, मतलब तेलुगु समझ नहीं आती थी पर डांस तो करते थे। हाँ, बट वो टाइम पे ऐसा कीड़ा था कि जाना ही है, कोई भी रियलिटी शो करना है, ऐसा वाला था, किधर भी मिलेगा किधर भी करना है। तो लोकल कॉम्पिटिशन्स नागपुर में बहुत करते रहता था मैं वो टाइम पे, तो ऐसा था कि ऑडिशंस तो मैं देते ही रहता था। मैं डीआईडी लिटिल मास्टर सीज़न 1 से ऑडिशन दे रहा हूँ, मैंने 1 दिया 2 दिया, फिर उसके बाद सीज़न 4 दिया, सीज़न 5 दिया, और बीच में और कोई ऐसे शोज़ के ऑडिशन, मराठी शो, डांस महाराष्ट्र डांस हो गया, एक टैलेंट शो आता था मराठी पाउल पढ़ते पड़े, वहाँ पे ऑडिशन, मतलब ऐसे बहुत सारे ऑडिशन में देते ही रहता था, बस लोगों को डांस दिवाने पता क्योंकि मैंने जीता। हाँ ऑफकोर्स। तो फिर एक ऐसे लोकल कॉम्पिटिशन मैंने जीता, तो वहाँ पे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं उनके ऑफिस में गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे एक साउथ में रियलिटी शो आ रहा है, उनके कोई कांटेक्ट में था तो उन्होंने वीडियो मांगा है, तो मैं ऑफकोर्स वो कंपटीशन जीता था, तो उन्होंने बोला कि आप अपना ये वीडियो उनको दे दो, तो मैंने उनको वीडियो दे दिया और वहाँ से फिर मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे। तो मेरे को ऐसा था कि नहीं यार जाना ही है, कुछ भी हो जाना ही है, तो फिर मैं चले गया। तेलुगु समझ में नहीं आ रही लेकिन शो कर रहा हूँ, 1 साल तक मैंने वो शो किया। क्या बात है, 1 साल चलता था वो शो। बट डांस की देखो, डांस की क्राफ्ट की कितनी खूबसूरत बात है ना भाई, ये कि आपको भले लैंग्वेज समझ नहीं आ रही पर आप फिर भी हुनर है, आप डांस कर सकते हो। वही बस ऐसे गया वो किया, धीरे धीरे तेलुगु भी सीख लिया, फिर मैंने वहाँ पे जाके अभी समझ में आती है मुझे, बोलने को थोड़ा सा दिक्कत। क्योंकि वो 1 साल रहे हो आप। हाँ ऑफकोर्स, 1 साल रहा हूँ, वो सारे सराउंडिंग में रहा हूँ, सारे लोग तेलुगु बात करते थे तो समझ में आती है मुझे तेलुगु पूरी तरीके से, थोड़ी हार्ड वाली नहीं समझ आती। हाँ, मतलब जो ठेठ होती है जैसे प्रॉपर।
तो वो शो किया मैंने डी जोड़ी, वो मैं फाइनल्स तक था वहाँ पे। फिर उसके बाद वो 2015-16 के बाद में, फिर 2017 में मैंने डीआईडी दिया, जो ड्रीम शो था मेरा डीआईडी करना एक बार, सबको होता ना। आज भी देखोगे आप लोगों के, तू इतना अच्छा डांस करता तू डीआईडी में क्यों नहीं जाता। हाँ कि डीआईडी ना मतलब हर एक इंडिया में एक एक गाँव में बच्चे को पता है कि कोई डांसर है ना तो तू डीआईडी जा। तो वो तो ड्रीम शो था, तो फिर उसके बाद मैंने वो भी वो किया, फिर वहाँ पे मैं सेकंड रनर अप आया, थर्ड आया। फिर उसके बाद मैंने मुंबई में थोड़ा काम किया, असिस्ट किया। फिर उसके बाद जो मैंने डी जोड़ी किया था तो उनके डी जोड़ी किया था भाई, डी 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 एच डबल ई, इसका मतलब होता है फाइट। अच्छा ओके, वो शो का नाम है फाइट, ऐसा उन्होंने बोला था मुझे। अब कोई तेलुगु ऑडियंस देख के प्लीज स्पैम मत कर देना कि इसने गलत बोला हाँ। करके मुझे ऐसा बताया गया था, तो वो ऐसा नाम था। और जोड़ी मतलब वो कपल शो बनाया था उन्होंने पार्टनर्स का सा, तो मेरे साथ एक पार्टनर थी, तो वो किया। फिर उसके बाद वो सीजन्स के जो विनर्स हुए थे, वो विनर्स विनर्स का और एक कॉम्पिटिशन रखा था उन्होंने डी चैम्पियंस करके, तो वो शो में मेरा बीच में से एंट्री हुआ था आफ्टर डी आई डी 2021 में किया था मैंने शायद से। वो शो मैंने जीता, वो भी एक साल का शो होता है, वो बहुत लंबा चलता है डी, तो वो एक साल का शो था। वो कोविड का भी टाइम चल रहा था तब, वो क्रेजी वाला कोविड जब प्रॉपर लॉकडाउन हो चुका था, में जब लोग सब्जियां मिला रहे थे, धुल रहे थे सब्जियों को, प्रॉपर लॉकडाउन लग चुका था तब की बात है वो, तब मैंने वो शो जीता। फिर उसके बाद वो खत्म होती एक महीने के बाद तुरंत मैंने डांस दीवाने किया सीजन 3। और भाई डांस दीवाने का फाइनल मतलब वो जो फीलिंग रहती वो कैसी थी उस टाइम पे कि यार क्या होगा, या फिर पता था कि मतलब ऐसा था ना कि सारे परफॉर्मेंस जो हो चुके हैं पहले आपके उस पे जज होने वाला है। फिनाले के दिन तो आप एक शोकेस परफॉर्मेंस दे रहे हो कि आप फिनाले में आ चुके हैं और आप एक फाइनलिस्ट हो, वो परफॉर्मेंस पे जज नहीं हो रहा था। उसके पहले के जो एक्ट्स हो गए थे हमारे, उस पे तो मैंने किल किया था, मुझे पता था। तो उस पे मतलब ऐसा था कि ओ शिट, इस पे जज होने वाला है, इस पे वोट्स होने वाले हैं, एंड मेरी जितनी भी ओवरऑल जर्नी है उससे लोग याद रखेंगे और उससे मुझे फिनाले पे वोट करेंगे। तो ये मेरे दिमाग में पहले से था कि मेरे को ये सारी बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान देना है पहले से, एंड में ऐसा ना हो कि शिट मैंने तब वो करना था, शिट वो करना था, ऐसा नहीं था। तो वो एक्ट्स हमने ऑफकोर्स अच्छे दिए उसके पहले भी जिसपे वोटिंग होने वाली थी, मतलब जी जान मेहनत की थी मैंने और रुपेश भाई ने और सारे कोरियोग्राफर्स लोगों ने जो भी मेरे साथ में थे। फाइनल्स के दिन मतलब तक था कि जब तक आए नहीं तब तक कुछ चलता। फाइनल्स के दिन जब मैं सुबह उठा 6 अक्टूबर को सुबह उठा और मैं ऐसा जाने लगा कि अब रेडी होने और आज रिजल्ट आने वाला है, आई वॉज लाइक पता नहीं एक ठंडी सी आ गई थी आजू बाजू, एटमोसफियर ना एटमोसफियर वो ठंडा हो गया था मेरा आजू बाजू कि ओ शिट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, हर किसी से बात कर रहा हूँ, हर कोई बात ही हर कोई बात करे, अरे वो जीतने वाला है, ऑल द बेस्ट, ये ऑल द बेस्ट ना ऑल द बेस्ट। और फिर कोई कोई लोग वो जीतने वाली है, वो जीतने वाला है ऐसा, और मेरे को ऐसा लगा था ओ शिट ऐसा होने वाला है क्या, और मेरा मॉरल डाउन हो रहा है, नहीं 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 मैं छोड़ता हूँ, कुछ भी बता दे रहे हैं भाई फिक्स भी हो सकता है। ऐसा ऑफकोर्स होता, तो मैं ऐसा था कि नहीं यार काम करता हूँ, मैं सिर्फ खुद पे ध्यान देता हूँ, मेरा जो एक्ट है मैं उस पे ध्यान देता हूँ, आज जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, और बाकी मुझे मेरे पब्लिक पे भरोसा है कि जितने मेरे सपोर्टर्स हैं वो जिन्होंने ऑफकोर्स मुझे देखा इतने मुझे सपोर्ट करते हैं, तो मुझे उन पे मैं भरोसा रखता हूँ, अपना काम करता हूँ। बाकी एक टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि अब मुझे किसी की बात सुनना ही नहीं है, तो लिटरली मैं बातें नहीं सुन रहा था, मैं आजू बाजू किसी के खड़े ही नहीं हो रहा था, ऐसा हो गया था कि मैं दूर खड़ा था, मैं किसी की बातें नहीं सुनता क्योंकि डिस्टर्ब हो जाऊंगा फालतू में और मैं खुद डाउन हो जाऊंगा। तो मैंने बोला बेटर है मैं दूर रहता हूँ सबसे, एंड बहुत मस्ती हुई वो एपिसोड में, फिनाले एपिसोड में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, बहुत मस्ती हुई अंदर ही हाथ में मुझे बहुत मस्ती, और बहुत देर तक मैं मस्ती कर रहा हूँ फुल, मैं रुपेश भाई फुल मस्ती कर रहे बढ़िया से। और फिर जैसे स्टेज पे आए माधुरी मैम, तुषार सर, धर्मेश सर, मिथुन दा स्टेज पे आए और बस अब अनाउंस करने वाले, तब तब लिटरली मतलब मैं ऐसा था बहुत डर, हंसते हंसते ऐसा हो गया कि अब क्या, मतलब मैं लिटरली ऐसा प्रे कर रहा हूँ और सब लोग मुझे देख रहे कि अरे इसको क्या हो गया, देखे कैसा कर रहा है, और सब लोग मतलब नॉर्मल थे और मैं फुल ऐसा, और मतलब पूरा चेहरा उतर गया था, वो मोमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मोमेंट है, मेरा चेहरा पूरा उतर गया और मैं बता नहीं सकता, धड़कन ऐसी हो गई थी कि कितने साल का हार्डवर्क है और लेके जाना है ट्रॉफी, लेके जाना है मतलब ऐसा है, मिस नहीं करना, इतना फाड़ यहाँ आ गए भाई, अभी सामने आ गए, सामने आ गए, एंड मोमेंट पे ऐसा मिस हो जाएगा तो कैसे होगा। धड़कनें थम गई थी मतलब शिट अभी क्या होगा, पूरे हाथ नम, और जैसे उन्होंने मेरा नाम चिल्ला भाई
मैं उस दिन जो आंसू निकले थे उस दिन जैसा मेरा रोना निकला था वैसा आज तक नहीं निकला कभी, क्योंकि वो बहुत मेहनत का था, वो बहुत ज्यादा मेहनत का। वो ये होता कि यार कर लिया, मैंने कर लिया, मतलब हो गया फाइनली। भाई मेरे को ना अभी यहाँ से ऐसे वो गूज़बम्स नहीं होते कि एक ऐसा था कि यार नेशनल टीवी का हिंदी रियलिटी शोज मेरे को करना। ऑफ कोर्स मैंने तेलुगु में जीता था वहां पे, बट वो इतना फेम नहीं था वहां। अब उस साइड फेम है, उस साइड फेम है, तेलुगु में पता है पीयूष कौन है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया हिंदी का थोड़ा सा है चलन। हां, तो मैं चाहता था कि मैं इधर मेरा नाम बनाऊं ऑफ कोर्स, तो मेरे को तो ऐसा इधर जीतना है वापस, क्योंकि मैं डीआईडी में आया था 2017 में आया था, उसके बाद से मैं इधर आया नहीं था, इस साइड दिखा नहीं था वापस, तो मैं गायब सा हो गया था। मुझे था कि नहीं, मुझे वापस मेरा नाम उठाना है और जीतना है बस। तो वो हुआ और उसके बाद जो मूवमेंट क्रिएट हुआ और उसके बाद डांस दिवाने के बाद जो इज्जत मिली है, जितना रिस्पेक्ट मिला, जितना नाम मिला, जितना फेम मिला है, वो आज भी बरकरार है। और भाई एक और चीज़ होती है कि आप जीतते हो ना, आपकी वजह से ना, चाहे नागपुर है चाहे इंदौर के लोग हैं, लोगों ने ख्वाब बड़े लग जाते हैं। हाँ। कि यार नागपुर में एक बच्चे ने कर लिया ना घर, वही तो शायद अब हजार लोगों के, यार ये भी यहीं से गया है ना, करेक्ट, हम लोग भी कर सकते हैं। तो जीतता एक है, ख्वाब बहुत सारे लोग के लिए वो मोटिवेशन बन जाता है कि इसने किया ना, हम लोगों ने भी किया। हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल राघव जुयाल जो है, exactly. मुझे याद है कि जब देहरादून में राघव जुयाल, मतलब भाई जी ऐसा हो गया कि डीआईडी में आ गए, तो भाई एक लहर बन गई पूरी कि देहरादून में सब लोग डांस कर रहे हैं, करेक्ट, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी कि कोई पहाड़ से आया। yes. तो वही सेम चीज है कि आपने, हाँ। जीतते भले आप हो, बट आप अपने आसपास एक इतना अच्छा पॉजिटिव एक लोगों को होप दे देते हो ना कि yes. तुम भी कर सकते हो। yes. ये चला, अब आप मुंबई आ गए। मुंबई आया, ठीक है, और सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अब आप सबको बताओगे नहीं मैंने डांस दीवाने जीता है, और अब आपको काम करना है। यस। अब कोरियोग्राफी पे आते हैं। हाँ। तो कोरियोग्राफी कैसे शुरू की अभी? अभी मतलब लेटर ऑन कुछ और प्लान्स थे, ऐसा करना चाहता था, मैं चल रहा था कि कुछ और सोच के रखा था मैंने, बट ठीक है धीरे धीरे वो मोल्ड हो गई चीज़ें। एंड मैं बहुत ज़्यादा इनटू द कोरियोग्राफी नहीं था, बहुत ज़्यादा इनटू द कोरियोग्राफी नहीं था कि चलो ये करना है, ये कोरियोग्राफी का ये काम करना है, नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी आई मेरे पास जो मैंने की, मतलब ऐसा कभी वो मेरे लिस्ट में नहीं था कि मैं करूँगा, बट वो हो गई। एंड वो बहुत अच्छी टर्न आउट हुई कि ओके, मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकता हूँ, ऑफकोर्स मैंने किया। फर्स्ट जहाँ मुझे लगता है कि मैंने आईफा अवार्ड्स में गया था, मैं आईफा अवार्ड्स में रिहर्सल चल रही थी शाहिद सर के एक्ट की, तो वो मेरा कुछ भी काम नहीं था वहाँ पे, ज़्यादा काम नहीं था, मुझे बस परफॉर्म करके निकल जाना था, वीडियो बनाना था। मतलब ऋषि सर ने मुझे सिर्फ इतना बोला था कि पीयूष तो जाना है तो वीडियो में डांस कर दे ताकि शाहिद सर वीडियो देख ले और तू फिर चले जाना, बस उतना ही था वो। बट जब शाहिद सर को वीडियो गया तो शाहिद सर को स्टाइल पसंद आया और फिर लेटर ऑन फिर ऐसा हो गया कि मैं ही करूँगा करके, मैं ही सिखाऊंगा सारी चीज़ें, मैं ही करूँगा। तो वो तब चीज़ें थोड़ी कोरियोग्राफी की तरफ सीधा की, अरे अब तो कर सकता मैं, तब थोड़ी कोरियोग्राफी की तरफ ऐसी मोल्ड होने लग गई थी उस तरफ। फिर उसके बाद लेटर ऑन मैंने जी सेना अवार्ड्स किया, फिर तब भी ऋषि सर कर रहे थे शाहिद सर का एंट्री कोरियोग्राफ, तब भी उन्होंने मुझे बोला, तो हमने फिर मिलके बनाई वो चीज़ें। फिर उसके बाद आज जो मेरा पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हैं, फिर उनका मैंने म्यूजिक वीडियो कोरियोग्राफ किया। एक पोएट आदमी जिसको डांस का थोड़ा बहुत एबीसीडी भी नहीं पता, बट ऑफकोर्स बहुत मजा आया था। हाँ, बट मुझे अभी तक याद है भाई, वो एक टाइम ऐसा कि बारिश इतनी ज्यादा हो गई ना, हाथ से ठंड, वो इतना सिंपल बेसिक स्टेप, समझ सकता आपके हाथ ऐसे नहीं हो रहे कि यार मेरे को आता है पर मैं हो नहीं रहा, क्या करूं मैं, पर नहीं, बहुत अच्छा टाइम था। और बेस्ट पार्ट यही होती भाई, आपने मुझे सिखाया, पर अच्छा, मेरे को पता है इंसान अच्छा है। मैंने कहा भाई ये आदमी यहाँ पे, इस आदमी की जगह यहाँ पे, इसको बुलाओ, तो फाइनली भाई आए। कोरियोग्राफी चल भाई, शाहिद कपूर के साथ आपने काम किया जी, उनका पर्सनैलिटी कैसा है? मतलब पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा, मतलब कि हमारे तो सुपरस्टार ही है ना भाई। ऑफकोर्स मैं ऐसा था कि मैं पहुंच गया वो हॉल पे, एंड ऑफकोर्स वो 5 बजे का टाइमिंग था, वो 5:25 ऐसे आए, और मैं, मुझे एक्ट पूरा याद है, मैं इतनी तगड़ी रिहर्सल करके गया हूँ, लेकिन हॉल में अंदर जाने के बाद ना बॉडी ठंडी पड़ गई। ओह मैं भूलना जाऊँ, ओह ऐसा सीखाना, इसका काउंट ऐसा, इसका काउंट ऐसा है, मतलब ऑकवर्ड ना हो जाए, ऑकवर्ड ना हो जाए कुछ भी। और वो आए एंड मैं ऐसा देखते रह गया उनको, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, हाय बडी व्हाट्सअप, ऐसा उन्होंने हाथ मिलाया मुझसे,
वो बैठे उधर पानी पी रहे थे, मैं खड़ा था मिरर के आगे। उन्होंने मुझे थोड़ा प्रेस किया कि यार तूने क्या डांस किया वो वीडियो में, तूने मतलब प्रेस कर रहे थे कि आई लव योर स्टाइल, बहुत अच्छा किया, आधा एक्ट मुझे तेरे वजह से अच्छा लगा। ऐसे मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सुनना। फिर उसके बाद जब वो आए, चल सीखा, अब मैं उनको सिखा रहा हूँ, सिखाते सिखाते स्माइल कर रहा हूँ ऐसे एग्जैक्टली ख्वाब पूरे हो गए आपको नहीं पता, मैं ऐसे स्माइल कर रहा हूँ उनको सिखा रहा हूँ, मैं ऐसे स्माइल कर रहा हूँ। फिर मैंने एक बार उनको ना बड़ी हिम्मत, सर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ खड़ा हो करके फिर उन्होंने मुझे बोला कि अरे अरे कोई टेंशन नहीं, बिंदास चल तू बिंदास सीखा। मतलब ऐसा हो गया था ना, समझ रहे हो टाइम पे कि कुछ भी। हाँ, और हम लोगों, हमारे लिए है भाई ये सब बड़ी बातें, हम लोगों ने टीवी में देखे, हम डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। तो हाँ ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है, उन्होंने जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया अब तक बहुत बढ़िया ट्रीट किया। उसके बाद वो अपनी खुद की, उनको हॉल पसंद नहीं आ रहा था, हॉल की लाइट्स पसंद नहीं आ रहे थे, वो अपनी खुद की मर्सिडीज में मुझे बिठा के अपने घर लेके गए। क्या बात है कि तू आ जा, मैं वैसे बाहर निकल रहा था, ऑफकोर्स बाहर आए थे फोटो वोटो खींचने, उन्होंने मुझे देखा इधर आ जा, वो अपने कार में मेरे साथ बैठे थे ऐसे, वो अपने कार में मुझे बिठा के अपने घर लेके गए। तो मैंने उनके साथ बातें की, उन्होंने मुझसे पूछा कि तू क्या करता है मुंबई में, तूने कहाँ कहाँ से क्या क्या किया, तू कैसे अर्न करता है, तू क्या करता है, मेरी सारी डिटेल पूछी उन्होंने मुझसे, सब कुछ पूछा। मैंने उनको मेरा एक डांस का वीडियो दिखाया, उन्होंने मेरा पूरा डांस का एक वीडियो देखा, मेरा डांस दीवाने का एक एक्ट था, वो पूरा एक्ट देखा उन्होंने। फिर उसके बाद मैं उनके घर गया, उनके घर पर रिहर्सल हुई, फिर मैं उनके घर जाता था रिहर्सल करने के लिए, और मतलब मज़ा आता था, बहुत बहुत वेलकमिंग नेचर है उनका, बढ़िया, इसलिए इतने बड़े हैं। यस ऑफ कोर्स भाई, शाहिद कपूर सर तो चलो लेजेंडरी आदमी है पर रश्मि का मंदाना तो जिन्हें नहीं पता, पीयूष भाई का जो वॉलपेपर है वो सालों सालों से रश्मि का मंदाना की फोटो रहती है उस पर। और तो कितना कैसे मिलना चाहोगे आप रश्मि के साथ, कभी मिलना? मैं एक बार, मैंने उनको लाइव देखा था जिस जी सिने अवार्ड्स में, मैंने उनको एक बार देखा था, और वो गए मेरे सामने से, मैं ऐसे था, मतलब वो मुझे पता था कि वो वहाँ से जाने वाली है, तो मैं चले गया उधर, तो मैं वैसे खड़ा था और मेरे सामने से गए, और मैं बस ऐसे दिल पे हाथ रख के उनको देखते रह गया। आए हाय, वो सीन है ना उस मूवी में, ओम शांति ओम का बट मैंने उनको बोला नहीं एक भी बार कि मेरे को फोटो खींचना, आंखों में तेरी, हाँ बस ऐसा सीन था, बट मैंने उनको बोला नहीं कि मैम मुझे पिक्चर खींचना, ऑफ कोर्स मैं अगर हिम्मत करके बोलता वो दे भी देती, बट मैं चाहता नहीं था कि मैं इस तरीके से मिलूं उनसे, आपसे प्यार है मुझे वैसे ही बताना है, ऑफ कोर्स। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कभी उनसे मिलूं तो एक बार उनके लिए डांस करूं उनके सामने, कि मैम अब दो मिनट बैठ जाओ मैं आपके लिए डांस करता हूँ बस, ताकि वो जब मैं उनसे, जब भी उनको याद रहे घर जाने के बाद भी, या कभी भी ऐसा दिख जाए, ओ ये वो पीयूष है, तो मैं इस तरीके से मिलना चाहता हूँ उनसे। तो रश्मि का मंदाना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पर जितने भी फैंस हैं तो उनको स्पेशल एक क्रॉप करके टैग करना है पीयूष भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स यार रश्मि का, लेकिन बहुत खूब, बहुत प्यारी, मतलब लव भाई भैया भाई डांसर्स की लाइफ के ना, मतलब ठीक है, अच्छा अच्छा सबको पता कि डांस दीवाने जीत लिया, डीआईडी रनर अप सब पता है लोगों को, पर डांसर्स के जो एक लाइफ होती है ना डांसर्स की, उसमें जो स्ट्रगल है वो क्या है सबसे ज्यादा? जो बन गए बन गए, पर हर कोई तो नहीं बना ना, तो उनकी लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या? मुझे और बनने के बाद भी है कुछ स्ट्रगल, कि बन तो गए, नहीं नहीं बनने के बाद भी है, बनने के बाद ज्यादा है, करेक्ट। हाँ, कि अब आपने लेवल भी अचीव कर लिया और अब आपको कोई, आप जाओगे अरे तूने तो वो जीता, तू फिर भी यही घूम रहा। हाँ एग्जैक्टली, ये होता है, ये होता है, करेक्ट। तो जो नहीं, मतलब ऑफ कोर्स जिनके अभी भी स्ट्रगल चल रहा है, जो नहीं बन पाए, एक मुझे ऐसा था कि जब मैं कर रहा था वो टाइम पे, ऑफकोर्स मैं अभी भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत, हाँ, कि स्ट्रगल वो सेम ही रेस पे भाग रहे, आज भी ऑफकोर्स अभी भी स्ट्रगल कर ही रहे, बट ठीक है, जितने भी अच्छी चीजें हुई मेरे साथ उसके पहले भी, वो चीजें होने के पहले जब मैं ऑफकोर्स स्ट्रगल कर रहा था कि मुझे टीवी पे आना था, मुझे रियलिटी शो करना है, मुझे जीतना है, तो उसके पहले का मेरे दिमाग में कभी प्लान भी नहीं था किसी चीज को लेके, मेरे दिमाग में प्लान ए ही था हमेशा। लोग ऑप्शंस बना के रखते ना, हाँ, था ही नहीं कुछ। बहुत से चीज लोगों को देखोगे ना तो लोगों के ऑप्शंस होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हुआ, ऐसा कुछ था ही नहीं माइंड में, ऐसा कभी था ही नहीं माइंड में, कभी नहीं था। प्लान ए मतलब मेरे को उसी के लिए मेहनत करना है, फिर कितना भी कुछ हो जाए, तो मेरी सारी एनर्जीज वो मेरे प्लान ए में गई, ऐसा हो। बट लोगों का कभी कभी क्या हो जाता है ना कि
उनके दिमाग में सेकंड ऑप्शन रहता है, मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं कितना सच है नहीं, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ कुछ लोग होते हैं, मैंने ऐसा देखा है, जो ना 3-4 बार ट्राई करने के बाद ना प्लान बी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उनको ऐसा था कि नहीं हो रहा वर्कआउट, मतलब हार मान लेते हैं, बट मेरा ऐसा था कि नहीं करना है तो इसी में करना है। खुद के डांस पे भरोसा था मुझे कि नहीं ऑफकोर्स मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ तो कर रहा हूँ तो होना ही चाहिए, तो बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं। और अभी भी जो वो टाइम पे नहीं बन गया, एक अच्छी चीज़ बोलूँगा कि जिनको अभी तक नहीं मिला वो चीज़, तो उनके लिए कुछ अच्छा ही होगा, कुछ आने वाले टाइम में कुछ और अच्छा आने वाला होगा जो उनके लिए लिखा होगा। तो ऑब्वियसली कि कंटिन्यू करो प्लीज़, अगर लग रहा है ऐसा कभी भी कि छोड़ देना चाहिए तो मत छोड़ो, उसको करते रहो, आपका अच्छा टाइम आने वाला होगा जो आपको और अच्छा बढ़ा देगा। करें तो ट्रस्ट करो भाई। मेरे को ना एक भाई है, उन्होंने एक बात बोली थी कि दिव्यांश जिस दिन ना किसी की नई मर्सिडीज आती है ना या कोई भी कोई महंगी चीज आती है ना, तो उस दिन हमेशा खुश होना चाहिए, क्योंकि एक तो उसने जीती है वो, और दूसरा पता क्या है कि उसके साथ साथ एक और बात याद रखना, जिस दिन आपकी आएगी ना वो वाली पुरानी हो जाएगी। एग्जैक्टली तो वही है। और लेकिन ये भी याद रखना कि जब आपकी आएगी ना तो आपकी भी पुरानी होगी, तो इससे ना आपको कभी घमंड आएगा ना आप कभी लो फील करोगे कि जिसका नया आएगा वो तो आएगा, एक पुराना जो पिछला जीता था वो पुराना हो जाएगा। करेक्ट। तो इतना सिंपल है। और स्ट्रगल रही बात तो सबके फील्ड में, मतलब नॉट जस्ट डांसर्स, एक्टर्स, क्रिएटिव दुनिया जो भी है, क्रिएटिव दुनिया, आर्टिस्ट फील्ड में है ही, है ही। कि आप एक दिन, आप मतलब एक दिन आपको पूरी दुनिया जान रही है, अगले दिन ऐसा हो सकता है आपके साथ ही आप घूमोगे, लोग ये लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल है, करेक्ट लाइफस्टाइल है। और लोग ही बोल रहे देखने सड़क पे घूम रहे हैं, ऑफ कोर्स ऐसे बोलते हैं, और लोग आपको जानते हैं लेकिन लोग देखेंगे भी आपको, लेकिन लोग प्रॉब्लम, जैसे आपने पूछा क्वेश्चन में कि उसके बाद भी स्ट्रगल है क्या, उसके बाद भी स्ट्रगल ऑफ कोर्स ज्यादा होता है, क्योंकि आपने जितना कर लिया आपको खुद को ऐसा होता है कि नहीं मुझे मेंटेन करके रखना है, वो भी संभाल के रखना है, मुझे संभाल के रखना है, मतलब ऑफ कोर्स कभी-कभी संभाल नहीं पाते तो सब चले जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं कभी संभाल नहीं पाया, कुछ चीजें संभाल नहीं पाते, कुछ चीजें छूट भी गई, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था। हाँ, भाई हमने exactly. खुद ही अपना रास्ता बना रहे थे कि जैसा चल रहा है चल रहा है। एग्जैक्टली भाई, रिलेशनशिप के बारे में टूटा दिल कभी है? मुझे पता था आज आने के बाद ये सवाल मुझे फेस करना है, ये हमारा मोस्ट वायरल क्वेश्चन रहता हमारा, टूटा है दिल है? कितनी बार, कैसे टूटा है? भयंकर तरीके से टूटा है। किसी का नाम नहीं लेना, किसी बारे में कुछ नहीं बोलना, पर फिर भी किस तरीके से, किस तरीके से मतलब कैसे, कैसे टूटा है मतलब, मतलब कैसे बताओ कुछ कहानियां कुछ किस्से देखो ना, टूटा हुआ आदमी ना हमेशा ऐसा रहता कि यार उसका नाम, उसको बदनाम भी नहीं करना, उसका नाम भी नहीं लेना, पर हाँ तकलीफ तो हुई है मुझे बहुत, टूट गया मतलब, अभी क्या बताऊं, टूटा टूटा ही है अभी भी कैसा इंसान चाहिए लाइफ में? अभी कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं, क्यों चाहिए ही नहीं, ज्यादा प्यार हो गया, या तो रश्मि का मंदाना या तो कोई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट मतलब हो गया, मतलब ऐसा कुछ टाइम देख लिया कि उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई चाहिए मतलब। और भाई जो लोग ऐसे रिलेशनशिप में, उनके लिए एडवाइस कोई, क्या ही एडवाइस दूंगा, गलत बंदे से एडवाइस आ रही है दिल टूटा है ऑफ कोर्स, और कभी सोचा नहीं था कि वैसा कुछ होगा, क्योंकि प्लान कर लेते हो ना सारी चीजें आप, और फिर सब टूट जाता है, तो वो जब हुआ तो मेरे को प्रोसेस करने को सालों लग गए, एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, एक्सेप्ट नहीं कर, कैसे हो गया यार ये, मेरे को सालों लग गए एक्सेप्ट करने को, सालों लग गए, और मैं अभी भी एक्सेप्ट मतलब कर ही रहा हूँ कि ओके ठीक है, ठीक है, मतलब बोले ना मैंने नहीं, सालों लग गए, तो वो कुछ ज्यादा हो गया, वो चक्कर में बहुत चीजें हाथ से छूट गई, जैसे मैंने आपको बताया कि संभाल नहीं पाए चीजें मैं, करेक्ट, कि पीछे ना मुड़ के आप देखते हो ना, इतना कुछ छोड़ा है ना हमने किसी के लिए, फिर जब वो इंसान छोड़ के चले जाते हो ना, आप ऐसे हो जाते हो कि, और आपको रोज़ बाहर निकलना है, और आपका एक और है पीयूष भाई, मैं तो बहुत खुश, मेरा माहौल आसपास मेरे लोग खुश रहते हैं, तो मैं रो नहीं सकता, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे चेहरे पर दिख जा रहा है कुछ भी,
अगर मैं गुस्सा होऊंगा, सैड रहूंगा, खुश रहूंगा, मेरे चेहरे पे दिख जाता है। तो वो टाइम ऐसा था ना कि मैं कभी दिल से खुशी नहीं हो पा रहा था, लोगों से भी नहीं मिल रहे थे ज्यादा, नहीं मिलता था, मैं कहीं जाता ही नहीं था, मैं घर से ही नहीं निकलता था बाहर, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था। और मैं मतलब जितने भी सिर्फ गिने चुने 4-5 लोगों से भी मिलता था, तो मुझे बोलते थे कि यार तू खुश कब होगा, तू वापस, अभी भी बोलते, अभी तो पहले से बेटर हूँ, बट अभी भी मुझे बोलते यार तू पहले जैसा खुश कब होगा। और पहले मैं ऐसा था कि एक होता है कि जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपके चेहरे पे ग्लो, वो ग्लो अलग होता है, और जब आप अंदर से खुश नहीं और सिर्फ चेहरे से दिखा रहे हो कि हाँ मैं खुश हूँ, तो वो समझ में आता है। तो मेरी ना दो लाइन थी कि उसके शहर से दूर आकर रोया मैं, उसके शहर से दूर आकर रोया मैं, लोग कहते उसके शहर के पास अब समंदर है। पर उसके साथ साथ एक और बात है भाई की लाइन है कि किसी से इश्क करोगे तो याद रखना, किसी से इश्क करोगे तो याद रखना, अहमियत पहले अपने आप की रखना। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें मैं अभी सीख रहा हूँ। भैया कुछ ही रखा प्यार व्यार में, काम करो, मेहनत करो बच्चों, पढ़ाई करो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, खुद को। आपको लगता है पर पैसे से आ जाता सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पैसे से क्या, कैसे बताऊं आपको, मतलब आप ये खरीद नहीं सकते ना, प्यार खरीद सकते हो आप पैसे से? खरीद सकते, तो बस, तो सब कुछ नहीं आया फिर पैसे में। मेरे को लगता है 90% चीजें आप खरीद लेते हो, वो जो 10% है ना, 10% चीजें है जो शायद है बहुत जरूरी, लेकिन हाँ मतलब शायद दुनिया के लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए है। हाँ ऑब्वियसली, तो वो तो मुझे नहीं लगता, ऑफ कोर्स इतना डूब के आशिक वाला प्यार किया है तो फिर ये क्या किया है मैक्सिमम, मतलब एक, 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 एक कोई चीज की मैंने इस लेवल पे गया हूँ। जैसे मैं बताऊँ ना भाई, मैंने ना 2 साल एक इंसान को सिर्फ देखा है, बात भी नहीं की, सिर्फ देखा है, और मैं रोज उसके घर के नीचे जाता था और ऐसे देखता था, और वो देखती थी, मैं वापस आ जाता था। मैंने 2 साल कंटिन्यूसली किया, फिर भी वो इंसान आपका नहीं है, वो बात ठीक है, अलग है, पर ऐसे ही कुछ क्या किया एक्सट्रीम लेवल पे यार? ऐसा कुछ कर दिया मैंने जो मैं डिस्कस नहीं कर सकता, मतलब वो मैंने मेरी हद पार, मैंने हद पार कर दी थी, तब ऐसा हो गया था, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर गया था मैंने कभी कभी, बट वो सब मतलब कभी मेरे को ऐसा लगा, मेरे को कभी ऐसा लगा ना, ठीक है ना, उसी के लिए तो क्या, मेरा इंसान तो था ना, हाँ काइंड ऑफ। और बहुत चीज़ें मतलब मैं इतना था कि मैं ऑफकोर्स काम पे ऑफकोर्स ध्यान नहीं दे पा रहा था, ऑफकोर्स क्योंकि कई आप डिस्टर्ब रहते हो, इतने डिस्टर्ब हो जाते हो कि काम पे ध्यान ऑफकोर्स नहीं था, तो मैं हर बार ऐसा सोचता था कि चलो अब मैं भी शायद अभी ठीक हो जाएगा तो फिर मैं काम पे ध्यान दूंगा, अभी ठीक हो जाएगा तो फिर काम पे ध्यान दूंगा, ऐसा कहते कहते साल निकल गए, साल वेस्ट हो गया, फिर दूसरा साल, फिर दूसरे साल भी मैं सेम सोच रहा हूँ, फिर दूसरे साल भी सेम सोच, दूसरा साल भी निकल गया, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद नहीं है, मतलब नहीं होता ना सब कुछ हमारे लिए, नहीं होता, मे भी शायद नहीं होगा वापस आना, या फिर नहीं होगा वापस, मतलब चीज़ें वापस ठीक होना नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा था जब जब चीज़ें सही चल रही थी, जब मैं ऑफकोर्स नया नया हम लोग जब सब चाहिए था, मुझे ऐसा लगा था कि ये गॉड गिफ्ट है, ऑफकोर्स इतना अच्छा था कि गॉड गिफ्ट है, और फिर सडनली जब खराब हो गया तो मैं ऐसा सवाल पूछता था कि जब गॉड का गिफ्ट है तो छीन क्यों लिया, मतलब निकल क्यों गया, काइंड ऑफ। तो दुख भरे आशिक इतने बात कर इतने जगह जाओ, इतने जगह, और लोग हैं हमारे पास, भीड़ है हमारे पास, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको पता ना वही इंसान नहीं है बस, तो वो ऑब्वियसली चुपता है, पर ठीक है आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। सोचो मैं इतना उस पर चला गया ना, मैं क्वेश्चन सब भूल गया, मैं ऐसे देखता नहीं कभी क्यू कार्ड, कोई बात नहीं। हाँ, होता है, होता है, दर्द भरे आशिक में भी शायद आज दो आशिक मिल गए, टूटे हुए आशिक, टूटे हुए आशिक, बट अभी हम खुश है प्लीज। अरे एक मुस्कान नाम से लड़की, उसका एक शेर था कि हमको भी इश्क हुआ था, हम भी रातों को जागे थे, था कोई जिनके लिए हम नंगे पांव भागे थे। भागे तो थे यार, ये शहर से दूसरे शहर एक सेकंड में, समझ रहे हो, एक सेकंड कि हाँ ऐसे चलते को जरूरत आ गया, हमें देगा चुटकी भी 7:09 देख रहे हो, ऐसा ऐसा पता चला, दूसरे दिन फ्लाइट करके शहर, दूसरे दिन घर के नीचे खड़े, दूसरे दिन कि मैं हूँ तेरे, और ऐसा, और हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को ऐसे शिफ्ट आगे पीछे करके आ रहे हैं आपके पास, पर ठीक है कोई बात नहीं भाई,
गिफ्ट होता है सबके साथ, ठीक है, दिल छोटा नहीं करते बोले। ये बेचारा सेट्टी हो गया। अच्छा भाई ये तो ठीक है, आपके डांस भाई पता क्या, जो लोग आज रिहर्सल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग स्टेज वन पे आज डांसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं आज, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब क्या होता है कि आपने करियर फॉलो किया डांस का, करते रहे करते गए, हर एक पैशन को मोनेटाइज करना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, तो वो मोनेटाइज कैसे करना है एज अ डांसर, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट टिप इस तरीके से। मैंने सच बताऊँ तो मैं जब कर रहा था, जब मैं शो कर रहा था, जब भी मैं अपना पैशन परस्यू कर रहा था और जितनी चीज़ें मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था कि आगे बढ़ना है, मैंने कभी पैसा सोचा ही नहीं था, टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इतना कमाना है, उतना कमाना है, या इतने पैसे मेरे पास आएंगे, उतने पैसे मेरे पास आएंगे। लिटरली मैंने शो के बाद जो ऑफकोर्स जो मेरा प्राइज मनी था, वो तो ऑफकोर्स मेरा प्राइज मनी था, बट जो ऐसा होता है कि आप कुछ काम करो आपको पैसा मिलता है, देखो ये मेरी कमाई है, ऐसा काइंड ऑफ चीज़ है, वो लेटर ऑन ऑटोमेटिकली कैसे होते गई, मैंने कभी प्लान नहीं की थी, वो ऑटोमेटिकली होते गई। जैसे मैं ब्लेस्ड हूँ सबसे पहली बात कि मेरे आजू बाजू इतने अच्छे लोग हैं कि उनको पता है कि नहीं मतलब करना है, मतलब देना है, ऑफकोर्स करेक्ट कि समझदार लोग हैं, अगला मेहनत कर रहे हैं तो बनता है, तो किसी ने ऐसा मतलब कभी यूज नहीं किया। बहुत ब्लेस्ड हूँ मैं कि मेरे आजू बाजू बहुत सारे अच्छे लोग हैं, तो मतलब जितना भी मैंने छोटा मोटा कोरियोग्राफी का काम किया, वो सब काम किया, तब मैं पैसा देखने लगा कि वो ऐसे काम से ऐसा पैसा मिलता है क्या, मतलब इतना मिलता पैसे है भी क्या? मिलते हैं इस काम के। हाँ मतलब ऐसा पैसा मिलता है इससे, मतलब ये कभी सोचा ही नहीं था ना कि मैं ये सब करूंगा या ऐसा सारी चीज़ें। मॉनेटरी दिमाग में था ही नहीं कभी, मॉनेटरी दिमाग में था ही नहीं कभी, सिर्फ टैलेंट था, सिर्फ पैशन था कि नहीं ये करना है, बट मेरे आजू बाजू चीजें होती गई। मतलब आपने सवाल पूछा, ऑफकोर्स बहुत अच्छा सवाल पूछा ऑडियंस के लिए, बट मेरे पास इसके लिए बहुत एक करेक्ट आंसर नहीं है कि मैं क्या दूँ, क्योंकि मेरे लाइफ के हिसाब से मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आती गई वैसी, जिससे मुझे मॉनेटरी मतलब हेल्प हो गया, जिस तरीके से सोशल मीडिया से मुझे ज़्यादा हेल्प हो गया, आजकल पता आजकल दुनिया सोशल मीडिया पे चल रही है, तो मेरा सोशल मीडिया जो भी है वहाँ से मैं थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ, तो वहाँ से मुझे पैसा दिखने लग गया, तो मुझे समझ में आया कि ओ रास्ता है पैसों का, तो फिर मैंने उस पर थोड़ा ध्यान देना चालू किया। जिस जहाँ आपको पैसा दिख जाएगा एक जगह पे कि हाँ यहाँ से पैसा आने लग जाएगा, तो ऑफकोर्स आप लोग ऑटोमेटिकली, कुछ गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं। और फिर मैं जब कोरियोग्राफी करता हूँ, किसी को कभी असिस्ट करता हूँ तो फिर वहाँ से मैं अर्न कर लेता हूँ। भाई एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ब्रेकअप देखा है, बहुत दुख में रहे हो, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिले हो, बहुत नई नई जगह घूमे हैं, रियलिटी शो किया है, कोरियोग्राफी की है, तो फिर ना आप लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखते हो कि यार मेरी लाइफ ऐसी रही है, तो उसमें से ना एक लेसन बनता है कि यार अगर पीयूष की लाइफ देखोगे ना तो एक लाइफ लेसन है मेरा, वो बहुत काम आएगा आपको, तो आपकी लाइफ का एक ऐसा लेसन जो आप सबको देना चाहते हो कि संभाल के लेके जाना बहुत काम आएगा। एट द मोमेंट ये बोलूँगा कि लोग आते जाते रहेंगे, आप उनके वजह से खुद को मत भूलना कि आप कौन थे, आप कहाँ से आए थे और आप क्या करने आए थे, तो वो कंटिन्यू करते रहना जो आप करते आए थे। खुद से प्यार ज़्यादा करना, खुद को प्रायोरिटीज पहले करना कि नहीं मैं पहले हूँ, मेरा काम पहले है, एंड पैसा कमाओ खुश रहो, दवा के खुश रहो, अपने फैमिली को खुश रखो, बाद में बाकी चीज़ें सोचना, पहले आप इतने काबिल बन जाओ, आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओ कि आप खुद का पेट पाल सको और अपने आजू बाजू का पेट, लोगों का पेट पाल सको, अपने फैमिली का, अपने दोस्तों का, किसी के वजह से खुद को मत भूलना। भाई एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, कंटिन्यू करते ब्रेकअप हर्ट द मोस्ट, बकवास प्यार बकवास। भाई पता दिक्कत क्या है, हम पता क्या होता है, हम लोग ना मेहनत करते रहते हैं फिर एकदम से कोई आता, एक सेकंड यहाँ से लेंगे। ओह माय गॉड, भाई आपको एक छोटा सा गिफ्ट, आपके अकाउंट में वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं, फोटोज कम हैं, तो ढूंढना मुश्किल था थोड़ा सा। थैंक यू सो मच, दिस इज सो स्वीट यार दिव्यांश, मेरे को है कि मैं कभी आपके घर आऊँ तो मैं देखूँ। बिल्कुल,
मैं आपको फोटो भेजूंगा अभी इसको अपने घर पे लगा के। वाओ यार। तो आज थे हमारे साथ पीयूष भाई। आज हमने सीखा एक तो लाइफ में ना यार बहुत मेहनत करनी है, ठीक है, लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी, काम की प्रायोरिटी हमेशा रखनी है, काम को इतने ऊपर रखना, उसके बाद लोगों को रखना है, और किसी भी इंसान के लिए ना अपने काम को मत छोड़ना, क्योंकि आपका काम था इसलिए लोग आपके पास आए थे। बी हम्बल ऑलवेज, हमेशा कितना भी आप काम कर लो, आप एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये कर लिया तो आप हो गया सेटल, आप कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, हो गया उसके बाद क्या, जिंदगी तो चल रही है, भूख नहीं खत्म करनी है, भूख नहीं खत्म करनी है, करते रहना है। और आप हमें देखते रहते, बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे पीयूष भाई का इंस्टाग्राम आ रहा होगा, मेरा इंस्टाग्राम, हमें फॉलो करना, जो भी बात आपको अच्छी लगे वो प्लीज़ पीयूष भाई को डीएम में जाके बोलना कि भाई मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी लगी। और नीचे बी लाइव स्टूडियो होगा, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दो, और बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। बहुत सारी, बहुत ज़्यादा, बहुत प्यारी बातें।